सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हड़ानी हिडन बर्ड ये सब चलता रहेगा। विपक्ष चाहता है जेपीसी आए, आप लोग भाग रहे हैं, और इसकी आवश्यकता है कोई तथ्य तो आरोप तो लगाए या प्रमाण के पास तथ्य है कि अगर बोल दिया। अब राजस्थान में अडानी 60,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाला, राजस्थान में 3-3 सीमेंट प्लांट अडानी के था और अशोक गहलोत अपने बगल में बैठा कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, ममता बनर्जी रेड कारपेट बिछा कर उनका स्वागत कर रहे हैं और 25,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बंगाल में कर रहे हैं। लेफ्ट की सरकार है, सिक्किम की सरकार केरल के 7,500 करोड़ की लागत से एक सी पोर्ट का करार किया लोगों ने, और जब स्थानीय मछुआरे विरोध कर रहे हैं तो CPM सरकार जो अडानी के पक्ष में खड़ी है, तो बताएं ना हम लोग पर जो आरोप लगा रहे एक भी प्रमाण खोदे कहाँ फेवर किया गया। कि आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, अगर कहीं पर भी कोई टेंडर है, कोई और चीज़ है, कोई बिडिंग है, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग होती है। अगर उसमें कोई त्रुटि कोई गड़बड़ी है तो आप कोर्ट में जाइए। आज तक तो एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी उनको गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ी। आज अगर उनको एयरपोर्ट मिल रहा है, सीपोर्ट मिल रहा, कोई भी चीज़ मिल रही है, इसमें कोई फेवर हो तब तो बताएं कि उनको फेवर मिला है। अब कोई कहे त्रिपुरा में BJP को अचानक है इतनी सीटें कैसे आ गई, इसकी जाँच कराई जानी चाहिए। BJP को तो एक भी MLA नहीं थे, त्रिपुरा में इतने MLA कैसे आ गए। बंगाल में सरकार थी इन्वॉल्व ना, वो तो आवंटन सरकार ने किया था ना, इसमें कहाँ पर सरकार का कौन सा आवंटन बताएं वो। इसलिए आरोप लगाइए तो पूरे तथ्यों के साथ आरोप लगाइए। आज 20 दिन हो गया, एक भी सिंगल आरोप नहीं लगा पा, एक भी सिंगल आरोप। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जाए सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गरीबों का काम किया और जिस तरह से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह का कोई आरोप न तो उनको चिपक सकता न चिपकेगा। इस तरह के हर आरोप का मुकाबला करने के लिए हम कर रहे हैं।